हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। पिछली वीडियो में हमने डीएफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी को हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे और एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, यानी कलर्ड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed। यानी जब भी हम d orbitals की बात करते हैं तो हमारे d orbitals में lower energy orbital में जो electron होते हैं, जब वो excite होके higher energy level में जाते हैं तो वो एक appropriate frequency को absorb करते हैं, और वो frequency lie करती है visible light के region में, जिसकी वजह से जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके आयंस जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज लाई इन द विजिबल रीजन ड्यू टू विच कलर्ड आयन आर फॉर्म। लेकिन अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कलर्ड आयन को फॉर्म करने के लिए, यानी यहाँ पर हमारा डी और डी इंट्रेक्शन इम्पोर्टेंट है। यानी डी और डी इंट्रेक्शन का मतलब क्या होता है कि लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। अगर हमारा कोई भी मेटल है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली मूव करेगा, इसलिए जो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन जिन आयंस में प्रेजेंट होते हैं वो हमारा कलर्ड आयन को शो करते हैं। अगर हम बात करें एम्प्टी डी ऑर्बिटल की या कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की, तो उनमें क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, पेयरिंग में होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर शो नहीं करते हैं। तो फिर कलर शो कैसे करेंगे, आयनिक स्टेट में कलर शो करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयन बाइंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल आयंस, कौन से मेटल आयन, डी ब्लॉक के मेटल आयंस जो होते हैं वो बाइंड करते हैं नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को फॉर्म करते हैं जिसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ये सब चीजें आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल है FeCl का होल 6 3 नेगेटिव। यहाँ पे Fe हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है और Fe जो है हमारा वो है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। Cn यानी साइनाइड, साइनाइड जो है यहाँ पर हमारा लिगेंड है, और जितने हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतनी ही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसका रीजन हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके स्मॉल साइज होने की वजह से, उनका हाई आयोनिक चार्ज होने की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शोज करते हैं, उनके क्या रीजन है। लेकिन उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो कैटलिस्ट मतलब एक तरह से एंजाइम ही होते हैं, एंजाइम को ही हम कैटलिस्ट कहते हैं, और कैटलिस्ट का मेन काम होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करने की। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन साथ में एक रीजन ये भी है कि वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे हमारे जो कैटलिस्ट है वो वर्क करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा एक कैटलिस्ट है जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहाँ पर हमारा एक रिएक्टेंट है जिस जो है ए बी, ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ये हमारे रिएक्टेंट्स है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे रिएक्टेंट से
बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी ए और बी हमारा रिएक्टेंट है, इनसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पे जमा हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारे रिएक्टेंट्स हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पे जमा होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती जाती है। अब मेन होता क्या है, यहां पर जो हमारे कैटलिस्ट है उसका बॉन्ड जो है रिएक्टेंट के साथ वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और जो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड होता है वो हमारा वीक होने लगता है, और उस बॉन्ड के वीक होने की वजह से हमें कम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और जिससे हमारा कैटलिस्ट अलग हो जाता है बाद में, और प्लस हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं ए प्लस बी। ये हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म कि कैसे हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी वर्क करती है। पहले हमारे रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट से कंबाइन करेंगे बॉन्ड की हेल्प से, और जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड से, और जैसे जैसे रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड वीक होता रहेगा उसको तोड़ना इजी होगा, जिसकी वजह से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी कम हो जाएगी। और हमारे कैटलिस्ट का मेन वर्क क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम करना, और हमें यहां पर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मेनली हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंस होते हैं, दे हैव एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एक्सट्रीम फॉर्म होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, यानी हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मेनली हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टाइप ही है, और इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जब भी आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उस फील्ड में रिपेल करेगा और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, और जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। अब जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनमें, तो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है BM यानी बोर्स मैग्नेटॉन, और हमारा फॉर्मूला यहां पर होता है रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और कौन सा कम करेगा। एक चीज और आपको याद रखनी है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी किसी भी एलिमेंट की यानी किसी भी मेटल की। और लास्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है। जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, और जब हमारे कुछ स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन वो उस क्रिस्टल लैटिस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिनको हम वॉइड्स कहते हैं उसमें आके ट्रैप हो जाते हैं, तो हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये नाइदर टिपिकली आयनिक होते हैं और नॉर कोवलेंट होते हैं, यानी ना ही ये कंप्लीटली आयनिक होते हैं और ना ही कंप्लीटली कोवलेंट होते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है TiC, Mn4n, Fe3H, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। नेक्स्ट है हमारा दे हैव वेरी हार्ड, यानी ये हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत हार्ड होते हैं, और कुछ बोराइड्स जो होते हैं हमारे वो तो डायमंड के बराबर नियरली डायमंड तक की हार्डनेस को भी अप्रोच कर लेते हैं।
नेक्स्ट है दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, यानी ये मेटलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा दे आर केमिकली इनर्ट, यानी ये हमारे केमिकली इनर्ट होते हैं। इसी के साथ हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। काफी सारी थी लेकिन यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, जिसमें मेनली हम दो कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम K2Cr2O7 और दूसरा पढ़ेंगे KMnO4। इसमें हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज पढ़ेंगे। आपको याद रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये जो दो कंपाउंड्स की हमने बात की है, ये बोर्ड के और एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसके बारे में पहले कुछ जनरल चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है लेदर इंडस्ट्रीज में। उसके बाद एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड, और बहुत सारे एजो कंपाउंड की प्रिपरेशन में ये ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले डाइक्रोमेट चाहिए, जो हम लोग यूज करते हैं क्रोमेट से, यानी डाइक्रोमेट जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, यानी डाइक्रोमेट जो है वो जनरली प्रिपेयर होता है क्रोमेट से। और क्रोमेट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? क्रोमाइट ओर से, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी ओर से क्रोमेट आपको मिलता है। और आपको क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला भी याद रखना है, FeCr2O4। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रोमाइट ओर को ट्रीट करते हैं Na2CO3 से, यानी सोडियम कार्बोनेट से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्रोमाइट ओर में आयरन की जगह पे उसकी प्लेस ले लेगा सोडियम, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3। आपको याद रखना है सोडियम क्रोमेट का कलर होता है येलो कलर, और जैसे ही हमें सोडियम क्रोमेट ऑब्टेन होता है तो हम येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट को फिल्टर करते हैं और इसको एसिडिफाइड करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें सोडियम क्रोमेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड हमसे ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन लिखा है। हमने यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एसिड यूज हो रहा है और सल्फरिक एसिड यूज हो रहा है, जिसमें हमें एच पॉजिटिव आयन की ही जरूरत है। तो जब हम इसको सोडियम क्रोमेट को सल्फरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट, यानी हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट ऑप्टेन हो गया है, जिसका कलर होता है ऑरेंज कलर। तो आपको याद रखना है क्रोमेट के कंपाउंड का कलर जो होगा वो होगा येलो कलर, और डाइक्रोमेट के जो सोडियम कंपाउंड होगा उसका कलर होगा ऑरेंज कलर। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। साथ में हमें मिलेगा सोडियम आयन प्लस वाटर, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ ट्रीट करेंगे ताकि KCl जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर सके और हमारे पास कंपाउंड बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में NaCl, और हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ही चाहिए था। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आपने क्या किया, क्रोमाइट ओर ली, क्रोमाइट ओर को ट्रीट किया किसके साथ, Na2CO3 के साथ, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिससे आपको सोडियम क्रोमेट मिला जो येलो प्रेसिपिटेट था। आपने इस येलो सॉल्यूशन को फिल्टर किया और एसिडिफाइड किया H2SO4 के साथ, यानी आपकी सेकेंड स्टेज, जिसकी वजह से आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिला जिसका कलर था ऑरेंज कलर। और अब आपने सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट किया KCl के साथ ताकि आप सोडियम को रिप्लेस कर सके पोटेशियम से, और आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अब हम नोट डाल के इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं
वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की पीएच पे कि वो किस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसकी क्या पीएच है। अगर हम बात करते हैं क्रोमेटायन और डाइक्रोमेटायन के स्ट्रक्चर की, तो क्रोमेटायन में क्रोमियम से चार ऑक्सीजन सिंगली बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइक्रोमेट की तो इसमें दो क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और बाकी दोनों क्रोमियम सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी ये एसिडिफाइड फॉर्म में ऑक्सीडाइज करते हैं आयोडाइड आयन को आयोडीन मॉलिक्यूल में, Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयन में और सल्फाइड को सल्फर में। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करते हैं कि यूजेस की, तो पहला यूज है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हेल्प करता है। सेकेंड यूज है इसका इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। और लास्ट इसका यूज है यूज्ड इन क्लीनिंग ग्लासवेयर्स, यानी जो आपके ग्लासवेयर्स होते हैं जो आप घर पर यूज करते हैं उनको क्लीनिंग करने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसी के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारा पहला कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया है, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में और यूज के बारे में। अब हमारा सेकेंड कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसका हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी जब हम हमारे मैंगनीज ऑक्साइड का फ्यूजन कराते हैं एल्कली मेटल ऑक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें K2MnO4 मिलता है जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है और साथ में हमें H2O मॉलिक्यूल मिलता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा K2MnO4 को डिस्प्रोपोनेट करते हैं इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से हमें परमैंगनेट मिलता है। तो यहाँ पर हमने MnO4 नेगेटिव लिखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो डिस्प्रोपोनेट कर रहे थे K2MnO4 को, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का जब भी रिएक्शन कराते थे तो उसको आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने K2 को अलग कर दिया है और MnO4 नेगेटिव को अलग कर लिया है। और जब हम MnO4 नेगेटिव को रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, तो हमें मिलता है परमैंगनेट यानी MnO4 नेगेटिव, साथ में MnO2 मिलेगा और साथ में K2O मिलेगा। अब ये जो MnO2 है उसको वापस से हम यही प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और जैसे हमें परमैंगनेट मिल गया है तो अब हम इसको पोटेशियम के साथ रिएक्ट करा के हमारा पोटेशियम परमैंगनेट को फॉर्म कर लेंगे। ये तो था इसका एक कॉमन प्रिपरेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। तो अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियली प्रिपरेशन मेथड का, तो कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट 6। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, MnO2 का एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कराएंगे और उसके बाद फिर जो हमारा मैग्नेट 6 है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यह हमारा MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड है जिसका हम सबसे पहले एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करा रहे हैं। तो एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन के लिए हमें एल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए यानी KOH, तो सबसे पहले फ्यूजन विद KOH और उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, जिससे हमें मैग्नेट आयन मिलेगा जिसका कलर होगा ग्रीन। फिर जो हमारा मैग्नेट आयन है अब हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जिससे हमें परमैंगनेट आयन मिलेगा और हमारे परमैंगनेट आयन का कलर क्या होगा, पर्पल। यानी अगर कोई भी आपसे पूछता है
कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में। तो आपको याद रखना है मैग्नेट आयन का कलर होगा ग्रीन और पर मैग्नेट आयन का कलर होगा पर्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना ही है। ये दो थी आपके पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं और उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में मैग्नेट और परमैंगनेट आयन के, तो मैग्नेट आयन में जो हमारा मैग्नीज होता है वो दो ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड रहता है और दो ऑक्सीजन से सिंगली बॉन्डेड रहता है। और अगर परमैग्नेट आयन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीज होता है वो तीन ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्डेड रहता है और एक ऑक्सीजन एटम से सिंगली बॉन्डेड रहता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। साथ में मैग्नेट आयन का कलर और परमैग्नेट आयन का कलर भी याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो हमारा आयोडीन को लिबरेट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, यानी KI को कन्वर्ट करता है आयोडीन मॉलिक्यूल में। तो यहां पर हम रिएक्शन देख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहां पर KI बोला था सर ने और अब यहां पर I नेगेटिव लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी करते हैं या कोई भी रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो उसमें हम मेनली आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो KI को अगर हम डिवाइड करते हैं तो K पॉजिटिव I नेगेटिव आएगा। सेम अगर हम KMnO4 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा K4 प्लस MnO4 नेगेटिव। तो सेम यहाँ पर हमारा I नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव है, साथ में एसिडिक मीडियम है इसलिए H पॉजिटिव आयन तो प्रेजेंट हो गई। तो यहां से हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं Mn2 पॉजिटिव, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में आयोडीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें Fe2 पॉजिटिव आयन जिसका कलर ग्रीन होता है वो यहां पर कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव आयन में जिसका कलर हो जाएगा येलो। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, Fe2 पॉजिटिव आयन को ट्रीट करेंगे MnO4 नेगेटिव के साथ, साथ में एसिडिक मीडियम है इसलिए H पॉजिटिव आयन है और फिर से आपको Mn2 पॉजिटिव आयन मिलेगा साथ में वाटर मॉलिक्यूल और Fe3 पॉजिटिव आयन। और नेक्स्ट है हमारा ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज इनटू CO2 यानी C2O4 नेगेटिव आयन को जब हम ट्रीट कराते हैं MnO4 नेगेटिव से एसिड की प्रेजेंस में तो हमें CO2 ऑप्टेन होता है, साथ में वाटर और मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन ऑप्टेन होता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये थी एसिडिक सॉल्यूशन में। और अब हम बात करेंगे बाकी प्रॉपर्टीज जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में होगी या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन में होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की इन न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडेट, यानी यहां पर हमारा आयोडाइड आयन जो है वो आयोडेट आयन में कन्वर्ट होता है जिसका फॉर्मूला है IO3 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पर मैग्नेट को वाटर के साथ, यानी हमने बोला था न्यूट्रल सॉल्यूशन हो या फ्रेंडली अल्कलाइन हो, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है साथ में हमारा आयोडाइड आयन है जिनको आपस में ट्रीट करने के बाद हमें MnO4 मिल रहा है, साथ में OH नेगेटिव आयन और आयोडेट आयन मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट। थायोसल्फेट सबसे पहले पता होना चाहिए, थायोसल्फेट का फॉर्मूला होगा H2O3 2 नेगेटिव, यानी ये हमारा थायोसल्फेट आयन। तो जब हम हमारे थायोसल्फेट आयन को ट्रीट करते हैं MnO4 नेगेटिव से वाटर की प्रेजेंस में तो हमारा बनता है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन। तो यहां से हमें सल्फेट आयन ऑप्टेन हो जाएगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा मैग्नस सॉल्ट ऑक्सीडाइज टू मैग्नीज ऑक्साइड। तो यहां पर जो हमारा सॉल्ट है मैग्नस सॉल्ट उसको अगर हम MnO4 नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, लेकिन आपको याद रखना है ZnO की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो हमें मिलता है हमारा MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस
फोर एच पॉजिटिव आयन। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा आयोडाइड आयन है, थायोसल्फेट आयन है और मैग्नस सॉल्ट है, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी जब आप MnO4 नेगेटिव से रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो आपको H पॉजिटिव आयन मिलता है, तो उसका आंसर है आपका मैग्नस सॉल्ट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के यूज की, तो सबसे पहला यूज है इसका इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। दूसरा यूज है इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है और साथ में डिसइंफेक्टेंट की तरह। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका इन मेकिंग बेयर्स रिएजेंट, यानी बेयर्स रिएजेंट की मेकिंग में भी ये यूज होता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो यूज होता है बेयर्स रिएजेंट को बनाने में, ये जरूर पूछा जाता है। अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई परमैंगनेट डज नॉट टाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कि हमारा जो परमैंगनेट है उसको हम HCl की प्रेजेंस में टाइट्रेट क्यों नहीं करते। तो उसको हम HCl की प्रेजेंस में इसलिए टाइट्रेट नहीं करते क्योंकि वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन में। और इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जनरल बातें जनरल प्रॉपर्टीज जानेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।